एक बड़ी खबर का, प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल अतीक अहमद पहुंच चुका है। जी हां, नैनी सेंट्रल जेल अतीक अहमद का काफिला पहुंच चुका है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि अतीक के बेटे अली का नैनी सेंट्रल जेल में ठिकाना बदला गया था और जिस तरह से यहां बैरिकेडिंग लगाकर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था, खबरें मिल रही हैं कि नैनी सेंट्रल जेल में ये काफिला दाखिल हो चुका है। एक स्पेशल बैरक में रखा जाएगा अतीक अहमद को। अरे थोड़ा सा देखिए एलसीडी। बाहुबली नेता और गैंगस्टर अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है। यूपी पुलिस की टीम अतीक को लेकर प्रयागराज पहुंची थी और अब खबरें हैं कि नैनी सेंट्रल जेल अतीक अहमद का काफिला पहुंच चुका है। बता दें कि अतीक के साथ 45 पुलिसकर्मी इस पूरे सफर को तय करके पहुंचे हैं। अतीक को वज्रवाहन में रखा गया था, दो वज्रवाहन थे इस काफिले में और अब बताया जा रहा है कि नैनी सेंट्रल जेल के अंदर अतीक अहमद को लाया गया है। स्पेशल बैरक बनाया गया है जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। कल अतीक अहमद को कोर्ट में पेश होना है और उससे पहले आज शाम पूरे 24 घंटे के सफर के बाद अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साबरमती जेल से यह काफिला सोमवार करीब 4:30 बजे निकला था, माफ कीजिएगा, रविवार को यह काफिला निकला था। आज 4:30 बजे ये काफिला प्रयागराज में पहुंचा था और उसके बाद सेंट्रल जेल ये काफिला निकला था और अब खबरें हैं कि नैनी सेंट्रल जेल में ये काफिला एंटर कर चुका है और अतीक अहमद को अब स्पेशल बैरक में शिफ्ट किया जाएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी पुलिस बल यहां तैनात किया गया, जेल के बाहर भी हर चेक पोस्ट पे एक रूट प्लान तैयार किया गया था अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाने के लिए। वहीं आपको बता दें कि नैनी सेंट्रल जेल अतीक अहमद पहुंच चुका है और कल इसे स्पेशल हियरिंग के लिए यहां लाया गया है। तो आपको बता दें कि मंगलवार को कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी होनी है। उमेश पाल के अपहरण मामले में अतीक आरोपी है और इस मामले में 28 मार्च को यानी कल फैसला सुनाया जाएगा, जिसके चलते अतीक को यहां लाया गया है। अतीक को वज्रवाहन में लाया गया, दो वज्रवाहन इस काफिले में थे, 45 पुलिसकर्मी अतीक के साथ आए और इस काफिले की एक खास बात यह रही कि अतीक की बहनें भी इस काफिले में थी, लगातार अपने भाई के साथ वे भी प्रयागराज आ रही थी। बता दें कि इस मामले में अतीक के भाई अशरफ को भी कल पेश होना है और इसके चलते पुलिस उसे बरेली जेल से प्रयागराज ला रही है। तो यूपी एसटीएफ की टीम कल साबरमती जेल पहुंची थी और कल साबरमती जेल से यह काफिला निकला था जो आज शाम 4:30 बजे के आसपास प्रयागराज में एंटर हुआ और उसके बाद अब कुछ ही देर पहले अतीक अहमद को सेंट्रल जेल लाया गया। नैनी सेंट्रल जेल में आज की रात अतीक अहमद और उसके भाई को बतानी होगी, कल एक स्पेशल हियरिंग होगी और कल अपहरण मामले में फैसला सुनाया जाएगा। तस्वीरें आप देखिए, नैनी सेंट्रल जेल से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बंसल न्यूज पर दिखा रहे हैं जहां कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल जेल लाया गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, यही वो वज्रवाहन है जिसमें अतीक अहमद को आज प्रयागराज लाया गया, इसी के अंदर अतीक अहमद मौजूद था। बता दें कि अतीक अहमद का यह पूरा काफिला 24 घंटे बाद प्रयागराज पहुंचा, 1300 किलोमीटर की दूरी पूरी करते हुए यह काफिला यहां पहुंचा है। बता दें कि कई राज्यों से इस काफिले को निकाला गया, गुजरात से यह काफिला शुरू हुआ था, राजस्थान मध्य प्रदेश होते हुए ये प्रयागराज लाया गया, उत्तर प्रदेश में एंट्री हुई इस काफिले की और अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही वज्रवाहन है जिसमें अतीक अहमद को लाया गया, प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में फिलहाल अतीक अहमद पहुंच चुका है।
तो कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता से भी जुड़ने की जो ग्राउंड रिपोर्ट हमें दें। ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद हैं। प्रयागराज के सिविल लाइन थाने के बाहर भी पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रयागराज में जो रूट नैनी सेंट्रल जेल तक था उस पर अलग अलग चेक पोस्ट बनाए गए थे, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए थे, क्योंकि ये बाहुबली नेता एक बड़ा गैंगस्टर निकला। एक बड़े मामले में अतीक अहमद पर कार्रवाई हो रही है और कल अतीक अहमद की पेशी एमपी एमएलए कोर्ट में होनी है। स्पेशल हेयरिंग के लिए इस गैंगस्टर को प्रयागराज लाया गया। तो बता दें कि उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ और तीसरा आरोपी फरहान प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में इन तीनों को रखा जाएगा। एमपी एमएलए कोर्ट के जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल ने यह आदेश जारी किया था। वहीं आपको बता दें कि अदालत का यह आदेश जेल के अधीक्षक को भेजा गया। करीब 3:30 बजे यह आदेश नैनी सेंट्रल जेल पहुंचा और अभी कुछ ही देर पहले लगभग 5:30 बजे के आसपास अतीक अहमद का काफिला प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल पहुंचा। तो आपको बता दें कि आज की रात अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ और तीसरा आरोपी फरहान नैनी सेंट्रल जेल में आज की रात काटेंगे और उसके बाद कल एक स्पेशल हेयरिंग के लिए उन्हें लाया गया है, जो कल होगी और इसमें फैसला भी सुनाया जा सकता है। तो बता दें कि अतीक और अशरफ को लेकर जेल में तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी। जेल के आसपास बैरिकेडिंग लगाई गई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रयागराज पुलिस की टीम जेल में सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना लगातार करेगी। कुछ ऐसे भी अधिकारी हैं जिन्हें रात भर गश्ती करनी होगी। इस जेल के आसपास कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को रखा गया है। कुछ ही देर पहले नैनी सेंट्रल जेल में अतीक अहमद का काफिला अंदर आया है और अब उसे एक स्पेशल बैरक में रखा जाएगा। तो बता दें कि आज उमेश पाल हत्याकांड के 3 आरोपी नैनी सेंट्रल जेल में रात बिताएंगे, जिसमें अतीक अहमद, जो कि साबरमती जेल में कैद था, उसे प्रयागराज लाया गया। दूसरा आरोपी अतीक अहमद का भाई अशरफ बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया। और आपको बता दें कि इन तीनों आरोपियों को अलग अलग बैरक में रखा जाएगा। अतीक अहमद, जो कि उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन, गैंगस्टर कहा जाता है, आज की रात इसी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बिताएगा। तो बता दें कि कल प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में उमेश पाल अपहरण कांड में कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है और इस हेयरिंग के लिए अतीक अहमद को प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल लाया गया है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ विशेष संवाददाता आलोक राय फोनलाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। आलोक जी, जिसका इंतजार था, मुझे लग रहा है अब इंतजार खत्म हो चुका है। एक बड़ा काफिला जो 1300 किलोमीटर की दूरी तय करके अब नैनी सेंट्रल जेल पहुंचा है, इसमें वो बदमाश, वो गैंगस्टर है जिसे यहां लाया गया एक स्पेशल हियरिंग के लिए, कल इस पूरे मामले में एक बड़ा फैसला आ सकता है। देखिए, बिल्कुल, कल इस मामले में एक बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि कल जो है एनपीएमएलए कोर्ट में उमेश पाल अपहरण जो कांड था, जिसमें अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ जो है, इनको जो है वहां पर जो है न्यायालय में उपस्थित होना है, इस पर फैसला सुनाया जाएगा। और इसीलिए जो है अतीक अहमद को साबरमती जेल से नैनी सेंट्रल जेल लाया गया है, शिफ्ट किया गया है। और अतीक अहमद का भाई अशरफ जो है वो रास्ते में है, लखनऊ से निकल चुका था उसका काफिला कुछ देर पहले ही, और देर शाम तक वो भी जो है नैनी सेंट्रल जेल पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर एक बड़ा मामला, हाई प्रोफाइल मामला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उमेश पाल का जो मर्डर हुआ था, जिस तरह से दिन दहाड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया था,
उस पर भी पुलिस जो है अपनी जो है सक्रियता दिखा रही है, क्योंकि पुलिस ने उसके लिए भी न्यायालय में अर्जी दाखिल कर दी है, क्योंकि पुलिस चाहती है कि उसको जो है कस्टडी रिमांड मिले अतीक अहमद और अशरफ की, ताकि वो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े सारे जो तथ्य हैं उनकी जानकारी जुटा सके, क्योंकि कई शूटर्स अभी जो इसमें शामिल हैं वो फरार हैं, पुलिस के पास बाकायदा उनके फुटेज हैं, लेकिन उनकी लोकेशन पुलिस ट्रेस नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं के बराबर कर रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सर्विलांस के द्वारा एसटीएफ और पुलिस उनको नहीं फिलहाल उनकी लोकेशन ट्रेस कर पा रही है, इसीलिए पुलिस की कोशिश है कि कल जो है जब ये फैसला आ जाए उसके बाद पुलिस जो है आगे इनकी रिमांड की मांग करे और इनसे पूछताछ करे। बहरहाल कल के फैसले पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि ये जो मामला है जिस तरह की धाराएं लगाई गई है उमेश पाल अपहरण मामले में उसमें मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। अब ये देखना होगा कि एमपी एमएलए कोर जो है कल अतीक अहमद जैसे माफिया हैं और उनका भाई अशरफ है जिनके आपराधिक रिकॉर्ड है, अतीक अगर अतीक अहमद की बात करें तो 100 से ज्यादा मुकदमे अतीक अहमद के ऊपर दर्ज हैं और उत्तर प्रदेश के बाहर उसका नेक्सस है, यहां तक कि नेपाल में भी उसके लोग पकड़े गए हैं, तो समझा जा सकता है कि कितना बड़ा नेटवर्क है अतीक अहमद का। और इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो है साबरमती जेल शिफ्ट किया गया था, तो इसलिए अब सबकी निगाहें लगी हुई है कल के फैसले पर। जी बिल्कुल सही कहा आलोक जी आपने, जिस तरह से लगातार इस मामले में गिरफ्तारियां हो रही थी और उसके बाद भी ये खबरें हैं कि अब भी कुछ मुख्य शूटर हैं इस पूरे मामले के जो फरार चल रहे हैं, देखना होगा कि कल जब फैसला आएगा तो क्या कस्टडी में रखा जाता है अतीक अहमद को, जिससे और भी खुलासे हो। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।